Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Miss Nusrat here. बेटा आज हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन करेंगे हम चैप्टर थ्री का. चैप्टर थ्री है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के चैप्टर में हमने डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया. इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? जिसके जरिए हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो इनपुट डिवाइसेस के जरिए दी जाती है. तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हमने यूज की? इनपुट डिवाइसेस में हमने इन डिवाइसेस को डिस्कस किया. कीबोर्ड. कीबोर्ड इज अ मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए कीबोर्ड को यूज किया जाता है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कीज होती हैं, यानी अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेशल कीज, ये ऑल टाइप ऑफ कीज कहाँ पर मौजूद होती हैं? कीबोर्ड में, जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं. माउस भी एक इनपुट डिवाइस है. ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहलाई जाती है कि स्क्रीन पर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर मूव करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं? माउस यूज करते हैं. स्कैनर. स्कैनर जस्ट लाइक अ फोटोस्टेट मशीन, कि अगर हम टेक्स्ट या इमेजेस को कॉपी करना चाहते हैं कंप्यूटर में तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्कैनर यूज करते हैं. जॉयस्टिक गेम्स वगैरह में यूज की जाती है, अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए, लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए. बच्चे जब गेम्स यूज करते हैं तो उसमें जॉयस्टिक को यूज कर रहे होते हैं. माइक्रोफोन, अगर हम वॉइस इनपुट देना चाहते हैं तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? माइक्रोफोन. डिजिटल कैमरा, अगर हम पिक्चर इनपुट ले रहे हैं तो उसके लिए हम डिजिटल कैमरा के जरिए इनपुट लेते हैं और फिर हम उसको कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं. तो इसमें जो मोस्ट कॉमन डिवाइस है, जब हम कंप्यूटर यूज करें तो मोस्ट कॉमन डिवाइस जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड एंड माउस. बाकी जो दूसरी डिवाइसेस हैं वो हम एज पर अवर रिक्वायरमेंट यूज करते हैं, कि जहां हमें जिसकी जरूरत है वहां पर इन डिवाइसेस को यूज किया जाएगा. तो ये डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस को हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताया था. आज मैंने थोड़ा सा इसका रिविजन दिया है आपको. इनपुट डिवाइस के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइसेस. यानी जब हम इनपुट देने के बाद प्रोसेस करवाते हैं सिस्टम से, उसका रिजल्ट मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं, और जिस डिवाइस पर मिलता है वो क्या कहलाई जाती है? आउटपुट डिवाइस. तो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर एंड प्रिंटर. मॉनिटर पर जो हमें आउटपुट मिलता है वो उस वक्त तक नजर आता है जब तक कि हमारा कंप्यूटर ऑन है, यानी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने के बाद जब उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है तो वो कहां पर आ रहा है? मॉनिटर, जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी कहलाता है. यानी जब तक ये कंप्यूटर ऑन है उस वक्त तक हमें उसका रिजल्ट नजर आएगा, डेटा सेव हो जाएगा. लेकिन अगर हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं और उसके बाद भी हमें वो आउटपुट देखना है तो उसके लिए हम एक अनदर डिवाइस यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिंटर. यानी अगर वो आउटपुट हम पेपर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वो किस डिवाइस के जरिए लिया जाता है? प्रिंटर के जरिए लिया जाता है. प्रिंटर का जो आउटपुट है उसको हार्ड कॉपी आउटपुट भी कहा जाता है. तो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी होता है जो कि मॉनिटर पे नजर आता है, और हार्ड कॉपी आउटपुट जो हम प्रिंटर के जरिए लेते हैं. इसके अलावा स्पीकर्स भी यूज किए जाते हैं. अगर हम वॉइस आउटपुट लेना चाहते हैं, यानी साउंड आउटपुट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस थी जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस की. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर फोर, स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करते हैं तो हम उसको सेव भी करना चाहेंगे. तो सेव करने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं उन्हें कहा जाता है स्टोरेज डिवाइस. लेकिन जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमारा डेटा कंप्यूटर में टेम्पररी तौर पर सेव होता है. तो स्टोरेज को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल स्टोरेज. जब भी आप कोई डेटा प्रोसेस करवाते हैं तो टेम्पररी तौर पर जो कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा सेव होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल स्टोरेज. और परमानेंट जो डेटा सेव किया जाता है वो जिन डिवाइसेस पर सेव होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज. तो इंटरनल स्टोरेज आर ऑफ टू टाइप. रैम एंड रोम. रैम स्टैंड फॉर रैंडम
एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। कुछ कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं जो ऑल द टाइम कंप्यूटर को बूट करते हुए रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में सेव होते हैं और वो मेमोरी कौन सी कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी। ये यूजर मेमोरी नहीं होती, इसमें यूजर का डेटा सेव नहीं होता, सिर्फ कंप्यूटर को स्टार्टअप होते हुए जो प्रोग्राम रिक्वायर्ड होते हैं वो रोम में सेव होते हैं। अब यूजर मेमोरी कौन सी होती है जिसमें यूजर का डेटा सेव होगा? तो वो मेमोरी कौन सी होती है? रैम। यानी जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो टेम्पररी तौर पर जिस मेमोरी में डेटा सेव हो रहा है वो कौन सी है? रैम। यूजर इस मेमोरी को यूज कर रहा होता है, लेकिन अगर कंप्यूटर ऑफ होता है तो इस मेमोरी से डेटा रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब उस डेटा को सेव भी करना है, तो सेव करने के लिए जो डिवाइसेस यूज की जाती है या स्टोरेज एरिया यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सटर्नल स्टोरेज में डिवाइसेस यूज होती है वो ये है, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप बैकअप स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो एक्सेसिंग है यानी डेटा की सेविंग के बाद डेटा को एक्सेस कर किया जाता है तो वो स्लो होती है, तो इसको हम बैकअप स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अब यूज नहीं होती है, लेकिन पहले जमाने में जो हमारे पास डेटा सेविंग के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए जो डिवाइस यूज होती थी वो कौन सी होती थी? फ्लॉपी डिस्क यूज की जाती थी। फ्लॉपी डिस्क पोर्टेबल डिस्क कहलाई जाती है, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह इसका डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क फिक्स डिस्क होती है जो कंप्यूटर में फिक्स होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें सेव कर लिया जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क में यूज की जाती है सीडी रोम, डीवीडी रोम एंड यूएसबी। ये भी पोर्टेबल होती है क्योंकि इनका डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये ऑल टाइप ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिसपे हम परमानेंट डेटा सेव कर सकते हैं और उस वक्त तक डेटा मौजूद रहेगा जब तक हम चाहें। अगर हम डिलीट करना चाहें तो उसमें से हम डिलीट कर सकते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस के चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस किया, इसको हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं डिटेल में। यहां मैंने आपको एक रिव्यू दिया कि आप अपना जो कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करते हैं वो किन डिवाइसेस के ऊपर स्टोर करेंगे। तो ये आज हमने टू चैप्टर रिवीजन में देखे जिसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इन दोनों चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस आपने कॉपी पे राइट डाउन की हुई है, तो आपने इनकी लर्निंग करनी है ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। ओके बेटा, अल्लाह।